अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं, क्योंकि अहमद तो जनाब साहब सोने चले गए। कह रहे थे नाम का व्लॉग बनाना है आज, और खुद जाके सो रहे हैं। और सो कहाँ पर रहे? कारखाने में, ठीक है, जहाँ पे इतना खलारा मचा हुआ है, इतना फैलावा हुआ है, वहाँ पे जाके सो गए हैं और कुछ होश ही नहीं है। तो अब हम चलते हैं, जाके उन्हें उठाते हैं, और फिर उसके बाद आज का ये व्लॉग बड़ा अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आपको बेबी का नाम डिसाइड करके बताएंगे। तो आप हमारे साथ रहें और देखते रहें। अहमद तो सो रहे हैं, अब हम चलते हैं अहमद के साथ, प्रैंक करते हैं और अहमद के ऊपर पानी फेंकते हैं और उठाते हैं। चलें, मेरे इस प्रैंक में शामिल हैं हुरैन और आयत। तैयार हो आप लोग? चलें। तो हमने ना मुन्ने की फीडर में पानी भर लिया है, ठीक है, तो अब हम चाचू के मुंह पे डालेंगे। अहमद चाचू के मुंह पे डालते हैं। चलो जी, चलते हैं। खामोशी से, चुप से चलना। सो गाइस, तो अब हम आ गए हैं। पागल हो? अब देखना बचोगे नहीं। ये कहाँ पे सो रहे हैं आप, ये बताएं जरा। ये कोई सोने की जगह है? हैं? ये कारखाने में सो रहे हैं आप? इतनी गंदगी हो रही है इधर। तो जी, मैं सो के उठ गया हूँ, और लाइबा ने पानी जो फेंका ना, ये तो बदला मैं बाद में लूंगा, लेकिन आज हमने करना है बेबी का नाम डिसाइड। तो अभी बस इंशाल्लाह बेबी का नाम आज आप लोगों को बता देना है कि क्या है, आप लोग काफ़ी पूछ रहे थे। तो इंशाल्लाह आज हो जाएगा बेबी का नाम डिसाइड। तो उससे पहले मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊँ, तो फिर हम करते हैं नाम डिसाइड। जी, तो मैं तो हो गया हूँ रेडी, और नहा शहा के आ गया हूँ भाई, फुल रेडी हो गया हूँ, और लाइबा भी हो गई हैं रेड डी। जल्दी कर रहा हूँ भाई, जल्दी कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ, गिफ्ट चाहिए एक? क्या गिफ्ट? एक है गिफ्ट, बताओ। कोई नहीं। क्या कोई नहीं? बाकी में ले आए होंगे कोई उल्टा सीधा गिफ्ट? नहीं। अच्छा जी भाई, इतना हैवी गिफ्ट है, ठीक है। पहले आपको मैंने मोबाइल दिया, आईफोन, ठीक है, तो अब आपको उससे भी हैवी। वाकई? हाँ पक्का दे दूं? दे है पक्का? टन टन टन, मुझे पता था। 33-10 कैसा? कोई ना कोई चवल मारेंगे आप। ये बिल्कुल हैवी गिफ्ट दिया, ये देखो चलता भी है ये। बल्कि आप मेरी तरफ से गिफ्ट रखें, ये आपको मेरी तरफ से गिफ्ट है। अच्छा जी, ऐसे गिफ्ट मैं नहीं लेता। तो गए हम भाई, अब टाइम नहीं है, जल्दी चलो जी, अब हम चलते हैं, ठीक हाँ, है। लेकिन जाने से पहले आप भूल गए शायद, सबसे नाम तो पूछ लें। यार आपको पता है भाई वगैरह तो मेरे ख्याल में मसरूफ है, वो जॉब वगैरह पे गए होंगे, और लेकिन ये कि नैना भाई, हाँ नैना भाई हैं, ठीक है, तो नैना भाई से पूछ लेते हैं। हाँ, आप सबसे नाम वगैरह हाँ, फिर हम ना नामों हाँ, की पर्चियां वगैरह डाल देंगे हाँ, बस फिर जिसका भी नाम आ गया वो नाम रहे। हाँ, वो तो अभी हम जाके बताते हैं। तो अब होने लगा है डिसाइड नाम, और उससे पहले हम सबसे पूछेंगे अपने अपने नाम। तो सबसे पहले मेरे बेटे के ताए जी से पूछेंगे कि आपको क्या नाम पसंद है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, सलामत रखे, और उम्मीद है कि सब आप बहन भाई जो है रोजे रख रहे होंगे। तो सो मैं एक मेरे जहन में नाम आ रहा है, जैसे कि बेटा माशाल्लाह अहमद का तो बहुत प्यारा है, और रजब के महीने में पैदा हुआ है। जी जी बिल्कुल, ये बात तो है। सो मेरे जहन में एक नाम आ रहा है, हैदर अली, हमारे मौला अली का नाम था, और हम उन पे जान माल हर चीज कुर्बान उनके। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो मेरे जेन में ये हैदर अली नाम आ रहा है, बाकी इनका बेटा है, इन्होंने डिसाइड करना है। अच्छा, बात पता है क्या है, हम तो नाम मतलब डिसाइड कर रहे हैं और रख रहे हैं, लेकिन ये नसीब की बात है। देखिए, हमने ऐसा सोचा कि देखें काफी देर हो गई, और हर बंदा मतलब नाना दादा दादी वो सारे अपने अपने नाम डिसाइड कर रहे हैं। फिर चाचू है, ठीक है, चाचू तो है नहीं, ताया है, बेटे के तो चाचू नहीं है, तो ताया सारे, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा हूँ।
तो अब इसमें ये कि अगर देखें नसीब की बात है तो जो निकला है अल्लाह पाक बेहतर करे इंशाल्लाह। तो आपने भी वैसे माशाल्लाह से नाम बहुत अच्छा डिसाइड करा है, क्योंकि ये हमारे मौला अली का नाम है, हैदर अली, तो मेरे नजर में तो बहुत अच्छा नाम है। हाँ। और बड़ा प्यारा नाम है और ताकत वाला नाम है ये, चले बहुत अच्छा हो गया। बाकी आप डिसाइड करते हैं, सारे जितने भी होंगे उनकी आप व्यू लें। जी जी, मैं सबसे ले रहा हूं। फ्रेंड्स, आप सब ने बताना है कि जो मैंने नाम बताया आपको तो ये कैसा नाम है। बाकी जो बाकी नसीब की बात है तो ये कि इंशाल्लाह। और अभी आप जिम से होया हो, ठीक है, डोले शोले बना लो अपने, तो फिर इंशाल्लाह दूसरे घर में आ जाओ, फिर इंशाल्लाह वहाँ पे लोग हम कंटिन्यू करते हैं, तो आप आ जाओ फिर, ठीक है। ओके जी। हाँ जी, तो आप बताएं कि बेबी का क्या नाम रखें। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। देखें, नाम जो है हमारे अहमद ने जैसे पूछा क्या नाम रखे, तो नाम तो सब ने अच्छे प्यारे प्यारे बताए हैं और नाम भी बहुत प्यारे अच्छे हैं, लेकिन मैं जो नाम बता रही हूँ, मैंने दो नाम बोले थे, उसमें सब जाहिर सबकी खुशी देखी जाती है कि भाई कौन क्या है, कौन क्या नाम बता रहा है, कौन क्या बता रहा है, उसमें सबकी खुशी हमें देखनी है कि भाई सब उसको शामिल करना, किसी को अपनी जात से जो है नाराज नहीं करना है। तो उसमें यह है कि मैंने दो नाम जो है घर वालों को बताए थे कि एक इब्ने मुस्तफ़ा बताया था और एक मोहम्मद इबादुल अहमद बताया था। तो यह है कि आप देखें क्या नसीब में कौन सी पर्ची उठती है, ये आप देखेंगे आगे। चलें जी, इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपने बताया। और ये है कि लाइबा को भी ये बात बहुत पसंद है नाम, तो ये कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करे और जो भी हुआ नसीब में वो ही नाम आएगा। तो जी, हम घर पे तो आ गए हैं और बस आते साथ ही हमें भूख लग गई थी और फिर मम्मा ने हमारे लिए शवारमा और फ्राइज मंगवा के रखा हुआ था। तो जी, ये अहमद खाने बैठ गए। अहमद, मसल चावल भी बने हुए। अच्छा, अभी अभी वो थोड़ी देर बाद खा लेंगे। हाँ, पहले हम ये फ्राइज और शवारमा खा लेते हैं, फिर मसूर चावल भी खाते हैं। फास्ट फूड होता है ना, तो फिर उस टाइम चावल चुवल नहीं चलते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आप मुझे भी दे दें, मेरी फ्राइज दे दें। राइस तो कम खाए ना, मसूर चावल का क्या। चले ओके, तो पहले ये खा लेना। हाँ जी, चले ठीक है, अब हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। अच्छा जी, अब मम्मा बताने लगी है नाम जो मम्मा को पसंद होगा। तो मम्मा जी, आपको कौन सा नाम पसंद है? मैं तो हदीद बोल रही थी वैसे। अच्छा, पक्का हदीद डन है आपका, और तो नहीं कोई सोचना? नहीं, पक्का, पक्का। चलो लाइबा हदीद लिख दो, हदीद लिख दो, ठीक है। और हाँ, और नैना भाई का? नैना भाई का हैदर अली। नैना भाई का हैदर अली लिख लो। और मेरी मम्मा का जो है क्या था, इब्ने मुस्तफा। इब्ने मुस्तफा, चलो ठीक है। और अभी दादाजी से पूछ रहे थे इनके, तो फिर आप वो भी लिखना, ठीक है। मैं एक मिनट आया। तो डैडी, अब आप बताएं कि आपको कौन सा नाम पसंद है? मुझे जो है वो नाम पसंद है अब्बास अहमद। चले जी, गुड हो गया, अब हम पर्चियाँ डाल रहे हैं, तो देखते हैं किसका नाम निकलता है। और मम्मा का भी मैंने ओके कर लिया, अब आपका भी देखते हैं इंशाल्लाह जो भी। अच्छा, तो डैडी ने अब्बास अहमद बोला है। लाइबा, डैडी ने अब्बास अहमद बोला, तो हाँ ठीक है, अब्बास अहमद आपने लिख लिया है। और मम्मा का दीद है और डैडी का अब्बास अहमद है। और बाकी अब मुझे कॉल दो, मुझे मोबाइल दो, मैं कॉल करूँ हसन भाई को, तो हसन भाई से पूछ लेते हैं। तो जी, मैंने चार लोगों के नाम तो लिख लिए हैं। एक नैना भाई का है हैदर अली, मम्मा का है हदीद, और मेरी मम्मा का है इब्ने मुस्तफ़ा, और डैडी का है अब्बास अहमद। तो अभी अहमद ने करी है हसन भाई को कॉल, हसन भाई है जापान में, तो अब हसन हाँ भाई देखते हैं क्या नाम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? वो हसन भाई का अपना हबीब अहमद डन कर दो। क्या हबीब? हबीब, हबीब अहमद मेरा, क्योंकि अब अहमद। चलो मैं लिख लेती हूँ, फिर वो पर्ची बना दूँगी, ठीक है। चलो मैं डन कर रहा हूँ। चार नाम तो मैंने लिख लिए हैं, अब हबीब भी मैं लिखती हूँ, फिर उसके बाद लारे भाई को भी कॉल मिलाते हैं, उनको भी कॉल करते हैं, पूछ लेते हैं, ठीक है। ओके, तो जी अब लाइबा पूछने लगी है, किससे नाम पूछ रही है? पूछने लगी हूँ ताही साठ से नाम, क्योंकि उनका ना हमारे बेटे से डबल रिश्ता है, खाला भी हैं वो और फुप्पो भी हैं, तो अब हम उनसे भी नाम पूछते हैं कि वो मतलब कोई अपनी पसंद का नाम बताएं, तो फिर हम उसकी भी पर्ची डालेंगे। तो चले, अब मैं कॉल मिलाती हूँ, दुआ करें कि वो कॉल उठा लें। कॉल लग जा रही है, बस देखें। चलें जी, कॉल तो जा रही है, अब देखते हैं कि वो उठाती हैं या नहीं।
तो उम्मीद है कि वो उठा लेंगी। हेलो, उठा ली कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं? कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाए, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। और बेबी कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह। बस आपको कॉल इसीलिए करी थी कि हम बेबी का नाम जो है वो डिसाइड नहीं हो रहा था, जैसा कि आपको पता है। तो आज हम सोच रहे थे कि पर्चियां वगैरह कर लें, पर्चियां डाल लें, तो मैंने कहा आपसे भी पूछूं, कोई नाम बताएं अच्छा सा। सही, तो मैं नाम आपको ये रिकमेंड करूंगी कि शीफ। जी, बहुत अच्छा। हजरत शीफ अलैहिस्सलाम है एक हमारे पैगंबर, ठीक है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जो सेकंड बेटे थे, उनका नाम था हजरत शीफ अलैहिस्सलाम। और हजरत शीफ अलैहिस्सलाम की शादी एक अरबी हूर से हुई थी। अच्छा। और उन्हीं की नस्ल से हजरत सही सही चलें जी, गुड हो गया। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं ये नाम भी लिस्ट में लिख लेती हूँ, लिख लो, लिख लो, भाई, लिख लो। में फिर उसके बाद हम पर्चियाँ वगैरह, और फिर आप पूरा व्लॉग भी देखिएगा हमारा, ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफिज। तो जी, अब मैंने ताही साठ का भी जो नाम है वो लिस्ट में शामिल कर दिया है। और अब किसको कॉल मिलानी है? अब लारे भाई को कॉल मिलानी। बाकी अहमद, हमारी जो भाभी हैं बड़े भाई की वाइफ, नाम मेंशन नहीं करूँगी, तो उन्होंने तो रजब नाम बताया था, वो भी लिख लेते हैं। हाँ चलो, वो भी ठीक है। हमारी जो सबसे बड़ी मेरी जिठानी है, नाम बताना हम मुनासिब नहीं समझते, तो मेरी जो सबसे बड़ी जिठानी है, उन्होंने जो नाम बताया था वो भी लिख लेती हूँ। रजब उनका लिख, रजब बताया था उन्होंने, तो उनका भी मैंने लिख लिया है। अब मैं कॉल मिला रही हूँ अपने बड़े भाई को, अली भाई को। तो अब दुआ करें कि वो भी कॉल उठा लें, उनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या नाम रखना है, क्योंकि भाई वो इकलौते भांजे के मामू बने। भाई दो भाई हैं मेरे, दोनों मामू बने, उनका इकलौता भांजा है, तो उनका भी मतलब होना चाहिए कि वो भी नाम बताएं। तो फिर इंशाल्लाह जिसकी पर्ची निकलेगी वो नाम डिसाइड हो जाएगा। तो चले जी, मैं कॉल मिलाती हूँ भाई को, एक सेकेंड, लाउड स्पीकर खोल देते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं भाभी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाभी, हम लोग जो है ना मुन्ने का नाम डिसाइड कर रहे थे, तो लिस्ट बना रहे थे, तो फिर हमने कहा आपसे भी पूछें, कोई नाम बताएं जहन में हो तो। और भाई ठीक है? हाँ, भाई बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं तो नाम सोच ही रखा है। बताएं जी, आपके भाई भी कह रहे थे कि ये नाम रखना। अच्छा बताएं। अबू हुरैरा। अबू हुरैरा, वाह जबरदस्त, बड़ा अच्छा नाम बताया भाई, जबरदस्त जबरदस्त। चले, मैंने लिस्ट में लिख दिया है, ठीक है? तो अब इंशाल्लाह जो भी पर्ची में आएगा वो नाम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है? चले इंशाल्लाह, फिर आप व्लॉग भी देखिएगा, फिर इंशाल्लाह मैं आपको रिटर्न कॉल करूंगी, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़। तो जी, बड़ी भाभी ने तो नाम बता दिया है, ठीक है? अब हम करते हैं छोटे भाई को कॉल, छोटी भाभी से बात हो जाएगी, भाभी से हो या भाई से हो एक ही बात है। तो जो है अब भाभी को कॉल मिलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई आप भी बता दें, मामी हैं आप भी, तो अब हम उनसे नाम पूछते हैं कि नाम बताएं क्या रखें। कॉल लग रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं भाभी, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। और बच्चे ठीक हैं? भाई ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। अच्छा अच्छा, वो ना हम मुन्ने का आज नाम डिसाइड कर रहे थे, तो पर्चियाँ डालनी थी, आपको पता है नाम ही नहीं डिसाइड हो रहा है इतने दिनों से। अच्छा, तो मैं सोच रही थी कि आप भी बताएं कोई अच्छा सा नाम, तो हम वो भी लिस्ट में शामिल कर दें। मैंने तो सोचा था अब्दुल्ला रखने का। अच्छा हाँ, अब्दुल्ला नाम भी अच्छा है, मैं लिख लेती हूँ। चले ठीक है, मैंने अब्दुल्ला लिख लिया है, बाकी फिर आप व्लॉग भी देखिएगा, पर्ची में जो निकल आया फिर उसका नाम डन हो जाएगा, ठीक है? ओके अल्लाह हाफिज़, फिर मैं कॉल करूँगी। ओके अल्लाह हाफिज़।
अच्छा जी, नाम हमने काफी पूछ लिए हैं, सबसे नौ पूछ नाम हो गए, देखो 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा मुझे ये बताओ, एक बात बताओ कि सबके नाम आपने पूछ लिए और सबके गिने जा रही हो, लिखे जा रही हो हैं, और सबसे पूछ लिए, मुझे ये बताओ आपने क्या नाम रखना है। अब माँ की भी एक चॉइस होती है, आपने क्या सोचा हुआ नाम? मैं अभी नहीं बताऊंगी, पहले आप बताएं। नहीं पहले आप, पहले आप, पहले आप, नहीं पहले आप, नहीं पहले आप, मैं अभी नहीं बताऊंगी, पहले आप बता दें प्लीज। ऐसे ना करो, नहीं बताएं, मैं अच्छा बात वो पता चले कि जो है ना कोई बताए ना पाए है। हाँ, मतलब, बताएं। चलो यार मैं बता देता हूँ, आप बड़ी जिद कर रही हो, तो मुझे अच्छा लगता है अजलान, ठीक है, और ये अच्छा नाम है। हाँ, तो आप ये लिख लो अजलान अहमद, ठीक है, और अब आप भी बता दो। यार वैसे तो मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं यही नाम रखूं, ये सारी जो लिस्टें मैंने बनाई ये बस, मेरा दिल तो कह रहा है कि जो चीज़ मुझे पसंद है मैं वही रखूँ। आपको तो जो पसंद होगी वही होगा। मुझे पसंद है इबाद, ठीक है, इबाद के मायने भी बहुत अच्छे हैं। वैसे तो नाम के सारे मायने अच्छे हैं, सारे नामों के अच्छे हैं, लेकिन इबाद के मायने और इबाद नाम मुझे इतना पसंद है, मैं मतलब शुरू से मुझे ये बात ना बहुत ज्यादा पसंद। चलो अल्लाह बेहतरी करे, देखो नसीब की बात है लाइबा, अभी हमने आप सबके सामने पर्चियां डाल ली और बलून वगैरह जो भी सारा करना है, लेकिन हम ये है कि अल्लाह पाक बेहतर करने वाला, ठीक है, नाम आपने अच्छा सोचा है वैसे भाई। हाँ, नाइस, बस ये है कि अब देखते हैं, चलो अल्लाह पाक बेहतर करे। वैसे मैं अल्लाह पाक से दुआ करूंगी, अल्लाह पाक की बात ही आए। तो गाइस, तो प्लान अब हमारा कुछ इस तरह का है कि अब हमने नाम की तो लिस्ट बना ली है और सारे नाम मिलाकर 11 नाम हो गए, ठीक है, नाना का, नानी का, दादा का, दादी का, ताया अब्बू का, मामू का, सबके नाम मिलाकर पूरे 11 नाम हो गए। अहमद ना करें अभी, तो पूरे 11 नाम हो गए। तो प्लान कुछ इस तरीके का, ये नाम हम सब हम लिखेंगे पहले पर्चियों में, ठीक है, तो जो पर्ची निकलती रहेगी ना, अच्छा हम पर्चियों में भी लिखेंगे ये नाम, और ये नाम हम ये जो अहमद बलून बुला रहे हैं ना, इसके ऊपर भी हम, अच्छा अच्छा एक बार नहीं, मैं मुझे बताने दें, तो बलून के ऊपर भी हम ये नाम लिखेंगे, फिर जो पर्ची निकलती रहेगी ना जिस नाम की, तो वो बलून हम फाड़ देंगे, ठीक है, और जो नाम बचेगा एंड पे वही नाम डिसाइड होगा, वही नाम रखा जाएगा, भले वो किसी का भी नाम हो, वही नाम रखा जाएगा और वही बलून बचेगा, बाकी सारे इंशाल्लाह। गाइस मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो है ये बांधते हुए किसको मुश्किल होती है? काफी लोगों को ऐसे होता होगा भाई मुश्किल, ये कैसे बनता है, इतनी मुश्किल से बनता है, तो ये आपको मैं तो भाई नहीं बन सकती। चले जी अब हम नाम लिखते हैं बलून पे, बलून भी बलून फुलाएंगी। तो अब हम जो है ना नाम लिखते हैं पर्चियों पे और बलून्स पे, तो आप हमारे साथ रहें और देखते रहें। तो जी जनाब, ये खुद बलून बने हुए आजकल और बलून फुला रहे हैं, तो सही बोल रही हूँ, जल्दी जल्दी फुलाएं, देर हो रही है। आप बड़ी जो है ना सुखी चुई है। कैसा डड्डू वाला मुंह बना रहे हैं बलून फुलाते हुए, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अब लिख रही हैं लाइबा नाम, तो जी ये नाम पहला लिखा जा रहा है हैदर अली। चलो जी ये बताया है नैना भाई, नैना भाई ने, ठीक है। अब हम दूसरा लिखते हैं हदीद, जो के हदीद मम्मा ने बताया, इनकी दादू ने बताया है बेटे की। आवाज कैसी आ रही है ना, आवाज आती है वो दूसरी है। वो बड़ा, अब हम लिखते हैं इब्ने मुस्तफा, जो के नानो ने बताया, जो के नानो ने बताया है। जी तो बलून सारे फूल गए हैं, फूल गए हैं, फूल क्या कहते हैं, लाइबा क्या कहते हैं, फूल गए, फूल गए, फुला दिए, फुला दिए, और ढोल वाला बाहर आया और लाइबा नाम लिख रही है और ये जो है ना बलून फूल चुके हैं। ये सारे नामों की मैंने पर्चियाँ बना ली हैं, ठीक है, अब इन पर्चियों को मैं फोल्ड करती हूँ और अभी इन सारे बलून्स पे नाम लिखते हैं और ये अहमद बलून फुलाए जा रहे हैं, सारे फुला दिए। चलो फिर मैं नाम लिखती हूँ, फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं। तो जी मैंने बलून्स पे नाम तो सारे लिख दिए हैं, पर्चियों में भी लिख दिए हैं और ये अहमद लगा रहे हैं, लगा रहा हूँ, ठीक है, और ये आखिरी रह गया और भाई मैंने बड़ी सेटिंग से लगा, ओहो मैं सही तरह लगाएंगे नाम नजर नहीं आ रहा, देखो बस नजर लग गई, ओहो फट ना जाए, ओए फटना नहीं चाहिए, ओए ओए ओए। तो
जी भाई ये तो बस उल्टे काम कर रहे हैं सारे यार। है कौन सा नाम? शीश शीश ताही साठ का। यस अच्छा, तो जी ओके हो गया। सारे नाम मैंने लिख लिए हैं और लाइबा ने लिखे बल्कि लाइबा ने सारे नाम लिखे। अब मैं आप सबको बताती हूँ कि ये नाम कौन कौन से, जरा पकड़े आप मोबाइल पे, मैं बताती हूँ। अच्छा जी हबीब अहमद ये नाम बताया है हसन भाई ने जापान से। इबाद भाई ये नाम है मेरी पसंद का, मुझे पसंद है। अबू हुरैरा ये नाम बताया है मेरी बड़ी भाभी ने, जो मेरे बड़े भाई हैं अली भाई उनकी वाइफ। ओके अली भाई ने बताया समझो। और ये है रज्जब, ये बताया है अहमद की भाभी ने, बड़ी भाभी ने मतलब मेरी जिठानी ने, सबसे बड़ी जिठानी। हदीद ये बताया है मम्मा ने, अहमद की मम्मा ने, मेरी मम्मा ने मतलब दोनों सास ने, बेटे की दादों ने। अजलान अहमद भाई ये तो अहमद ने बताया है। अहमद को बोलते हैं मेरा नाम है भाई मैं। ठीक है ये क्या है? अब्दुल्ला ये बताया है बेटे की, हमारे बेटे की सबसे छोटी वाली मामी ने, मतलब कि लारे भाई की वाइफ उन्होंने बताया है, लारे भाई ने बताया समझो। अब्दुल बारी ये बताया है मुन्ने के नाना ने, नाना अबू। ठीक है और सबसे ऊपर कौन सा है? शीश ये नाम बताया है ताही साठ ने। ठीक है जो कि मुन्ने की खाला भी और फूफो भी है। और ये है इब्ने मुस्तफा नाम बताया है मेरी मम्मा ने, मुन्ने की नानों ने। यस हैदर अली ये बताया है नैना भाई ने, मुन्ने के ताया अबू ने। और वो बताया है अब्बास अहमद डैडी ने, दादाजी ने यानी कि मेरे डैडी यानी मेरे पापा बिल्कुल अहमद के डैडी। तो जी अब हम ना अहमद पर्चियां कर लेते हैं। अच्छा वो तो ठीक है। अब मुझे मैं ये पूछना चाहूंगा इनमें से नाम आपको नहीं गाइस आप लोगों को कौन सा पसंद आया वैसे तो ये तो गाइस आप सब बताइएगा इन सब नामों में कौन सा पसंद है। बाकी अब हम पर्चियां कर लेते हैं फिर उसके बाद देखते हैं कि भाई एंड पे कौन सा इनमें से बलून बचता है और कौन सा नाम डिसाइड होता है। बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है मुझे। चले जी अब हम पर्चियां करते हैं। ओके तो जी ये डब्बा हमने बना लिया, इस पे हमने लिख दिया लाइबा अहमद सन नेम। तो ये जो हमारी ब्लैंक जगह है इस पे अब देखते हैं कि कौन सा नाम है जो इधर लिखा जाएगा। तो जो नाम एंड पे बचेगा वो फिर हम इधर लिख देंगे। बाकी इसके अंदर हम सारी जो भी पर्चियां हैं हमारी वो सब डाल देते हैं। फिर उसके बाद हम इसको यूं करके फिर खोल के आँखें बंद करके निकालेंगे ताकि चिटिंग ना हो। ठीक है अब अहमद आप आ जाए फिर हम मिलकर पर्चियाँ निकालते हैं। अब लाइबा करने लगी हैं वो क्या कहते हैं वो एक होता ना पर्चियों को निकालने लगी है भाई। चलो हम पहले इसको शेक हाँ ठीक है काफी है ना। चलो तो जी सबसे पहला नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी क्या निकलता है? रजब मेरे पास पिन ये वाली है तो रजब कहाँ है? रजब ये रहा रजब। मुझे डर लगता है आवाज आई। चलो बस फिर ओ तो जी रजब का नाम साइड पे कर दो। अब हम देखते हैं नाम अब्दुल्ला बस अजलान ना निकले देखते हैं इब्ने मुस्तफा अब ये तो अहमद आपको हाँ। चलो जी ये मैं फिर मार देता हूँ। अब हम देखते हैं। आपका स्काफ खराब हो गया, आप स्काफ सही कर लो। नहीं सही है देखो। ठीक है सही है ना? हाँ चलो अब है हदीद। हदीद तो जी हदीद ये रहा। हदीद की फर्जी ठाठा शीश निकाल ले। शीश तो जी वो रहा शीश नहीं शीश शीश अब देखते हैं। बस अभी बड़ा शुक्र है नाम जो है ना बचे हुए हैं अब्बास अहमद जी रहा। चलो जी अब्बास अहमद भी गया। लाइबा अब तो दिल की धड़कने वाकई में तेज हो गई है और आपको पता है कि मेरा अबू हुरैरा। आपने दोबारा नाम लिखा भी दिया यार थोड़ा अबू हुरैरा। ओह माय गॉड अबू हुरैरा
यार मैं तो बहुत धड़कने मेरी तेज हो रही। हैदर अली ये भी मुझे वैसे अच्छा लगता था। चलो ये हो गया, हैदर अली भी गया भाई। अजलान ये बहुत गलत हुआ गाइस, ये तो यार ये क्या हुआ है अजलान? बाकी में दिखाओ, मुझे दिखाओ, शक हो रहा है। तो जी अब निकलने लगी है अगली पर्ची। चलो जी अब निकाल दो बस अल्लाह का नाम लेके, तीन पर्चियां रह गई हैं। हाँ बस 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 निकाल दो क्योंकि जो है ना सैरी का टाइम भी हो गया। और ये क्या अब देख लो आप, हबीब अहमद, हबीब अहमद। ओ तो ये रहा हबीब अहमद, फाड़ दिया भाई। अब गाइस अब तो भाई वाकई में भाई धड़कने तेज हो गई हैं। सिर्फ दो नाम रह गए, ठीक है दो नाम रह गए, इबाद और अब्दुल बारी, ठीक है पाल दो। सो गाइस दो पर्ची रह गए यार, बस टेंशन ना लो, अल्लाह का नाम लेके कर लो, ठीक है। चलो जी ओके, कैमरे में दिखाना है कौन सा नाम आया। चलो चलो निकाल ही नहीं रही। हाँ इधर ऊपर करके, जरा ऊपर करके, अब्दुल बारी। वाकई में? हाँ। वाह भाई वाह, तो फाइनली जो है ना नाम जो डिसाइड हुआ है तो अब्दुल बारी का है, तो ये गया अब्दुल बारी, तो इबाद बच गया। तो जी ये देखें वाकई में भाई, हाँ इबाद ही बच गया। और जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको भाई, लाइबा बड़ी खुशी मुझे, है भाई। मुझे उम्मीद थी कि इबाद ही आएगा क्योंकि मैं बस मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा है, तो यही सोच रही थी कि सब अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं लेकिन बेटा तो मेरा है ना, तो मुझे अपनी मर्जी से नाम रखना चाहिए। लेकिन सबकी इस चीज में ख्वाहिश भी पूरी हो गई और मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो गई, अल्लाह पाक ने मेरी उम्मीदें पूरी कर दी। चलो जी अब हम सबको बता देंगे भाई हमारा नाम, हमने नाम रख दिया है इबाद, डब्बे पे भी लिख दो इबाद जी। अब नाम लिखा जा रहा है, वाह भाई वाह इबाद। ओके जी माशाल्लाह से हमने इबाद नाम रख दिया है अपने बेटे का और माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। लाइबा तो फिर पक्का इबाद है? हाँ जी। तो अच्छा बात सुनो, बात ये है कि देखो इबाद हमने नाम रख दिया है तो इबाद का नाम इबाद अहमद रख दें? नहीं यार इबाद अहमद नहीं रख सकते क्योंकि इसके ना मायने गलत हो जाएंगे यार। लेकिन मेरा नाम इबादुर रहमान बहुत अच्छा है क्योंकि रहमान जो है अल्लाह, अच्छा उसमें ये होगा इबादुल रहमान अहमद क्योंकि मेरा नाम तो लाजमी लगेगा ना आगे, तो इबादुल रहमान अहमद तो इबादुल रहमान लगेगा लेकिन बोलने में, हाँ बोलने में हम इबादुल रहमान बोल सकते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत खुशी हो रही है अल्लाह पाक के करम से, आज नाम रख दिया हमने और ये के बहुत मैं खुश हूँ और लाइबा तो भाई बाकी में खुश है काफी। कि जो भी मैंने अल्लाह पाक से ख्वाहिश करी है ना वो मुझे हासिल हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जो अल्लाह पाक से मैंने ख्वाहिश करी है वो मुझे मिली जरूर है, जी, तो अल्लाह पाक का शुक्र है जितना शुक्र अदा करेगा। हाँ अब इंशाल्लाह अब हम जाते हैं बेटे को भी हम बताते हैं उसका नाम। हाँ, तो अभी ये सैरी का टाइम हो रहा है तो थोड़ा सा खाना पीना खा लें, भीड़ के खाना वगैरह खा लें और सैरी कर लें, तो उसके बाद फिर हम जाते हैं बेबी के पास। ओके जी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने नाम रख दिया बेबी का और लाइबा के पास है मेरा और लाइबा का बेटा। मेरे का नाम तो, मैंने इबाद रखी है। यस बिल्कुल, ये मेरा इबाद है। ये मेरा इबाद है, ये मम्मा की जान है। अब तो लोग में बस इबाद इबाद होगी और पहले तो बेटा और मुन्ना हो रही थी और ये के अब इबादुल रहमान नाम रख दिया हमने माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, अब आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारा ये नाम कैसा लगा। जी जी। मेरा क्योंकि ये मेरी पसंद। जी जी। तो ये नाम आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। और लाइबा तो आज काफी खुश होंगे कि अल्लाह पाक ने देखो मतलब 12 नामों में से एक नाम हमने चुना है और वो भी इबाद निकला है, तो माशाल्लाह से ये है कि बहुत खुशी है। और अल्लाह पाक मेरे बेटे को सलामत रखे, लंबी जिंदगी अता फरमाए
और हर मुश्किलात, हर परेशानी, हर बीमारी से दूर रखे। और ये है कि आप लोग भी खुश रहें, आबाद रहें। और आप सबका जो वेट था, इतना इंतजार आप लोगों ने किया, सब कमेंट्स में बोले जा रहे थे बेबी का नाम, बेबी का नाम, तो आज फाइनली हमने आपको नाम बताया। अच्छा, अब नाम तो रख दिया, बेबी को कहते हैं यार हमने देखना है काफी लोग, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग आपके लिए बेबी का फेस रिवील कर देंगे इंशाल्लाह। तो ये कि आप लोग ये व्लॉग शेयर करिएगा, और क्योंकि हर बंदा पूछ रहा था नाम का, तो ये कि आप लोग अपने फ्रेंड से शेयर करें और हर जगह पे अपनी फैमिली को भी दिखाएं कि यार लाइबा के बेटे का नाम इबादुल रहमान है। तो जी दुआओं में याद रखें, अल्लाह पाक का जिक्र करते रहें। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।